कहते हैं, बड़नापुर का इसको पुल बोलते हैं। ये जो हाईवे है, रोड गई हुई है, ये सीधे बहराइच को चली गई है। स्थान सूर्य भगवान जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे दोस्तों, वीडियो को देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपका धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमने आपको तराई इलाका दिखाया और हकीकत में दोस्त दिखाया है, इसमें कोई बनावटी खेल नहीं है। हाँ, तो मज़े की बात यह है, हम आपसे विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान। हमारा ब्लॉग दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। जय जवान जय किसान। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छे, आप भी अच्छे होंगे। हमारे ब्लॉग में आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम यहाँ उल नदी के किनारे दोस्तों आए हुए हैं। आप देखेंगे कि जहाँ तक नज़र हमारी जाती है, सब तराई इलाका है दोस्तों। इधर यहाँ पे कोई फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि नदी का जो है पानी वो बहुत ज़ोर से बहाव में है। जो बरसात के समय में यहाँ दोस्तों पानी बहुत भर जाता है। अब भी नदी की धारा चल रही है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कुंभी इसमें कितने ज़ोर से हो गई है। इसको नदी को उल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग, भाई लोग हैं जो मछली पकड़ रहे हैं कांटे से, जिसको बरवा कहते हैं, हिंदी में बरवा कहते हैं। ये लोग पकड़ रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ पर भाई साहब एक जो हैं वो जाल से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इधर ये जाल फेंक देते हैं और फिर निकाल देते हैं, तो उसमें मछलियाँ दोस्तों फंस जाती हैं। और ये सामने दोस्त जो आपको दिखाई दे रहा है, एक पुल बना हुआ है। ये पुल बना हुआ है, इसको सुदराहापुर का पुल कहते हैं, बड़नापुर का इसको पुल बोलते हैं। ये जो हाईवे है, रोड गई हुई है, ये सीधे बहराइच को चली गई है, सीधे उसके वैसे इसको आसाम रोड बोलते हैं। ये भाई लोग जो हैं मछलियाँ पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ पकड़ कर भी लाए हैं। अरे भाई साहब कांधे पे लग्गी रखी हुई है। ये कौन है, मिली है यार? कहाँ जा रहा था दादा? आया तो खीरी से। अरे भैया जी, खीरी से आए हुए थे और यहाँ मछली पकड़ेंगे। मछलियाँ पकड़ने की भी एक शौक होती है, ट्रिक होती है, लोगों की अपनी अपनी ट्रिक होती है। मिले कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग पकड़ते रहते हैं। भैया जी सुबह से आए हुए हैं। भैया जी कहाँ से आए हैं? अरे भैया जी खीरी से भी आए, इनके भी लौ लगी हुई है। बड़े मजे की बात है, देखो काम धंधा बंद करके मुस्किया रहे भाई साहब। काम धंधा बंद करके अपना पूरा गृह कार्य आज का निवर्त होकर। दादा कहाँ से आए आप? अरे दादा किरतियापुर से आए हुए हैं। ये देखो मछली पकड़ रहे हैं यहाँ है, ये जाल से मछली पकड़ रहे हैं। अब इनके में हम दिखा रहे हैं मछलियाँ कहाँ है। ये तो देखो बूढ़े पकड़ के रखा है, थोड़ी सी ये जो है गंजिया, इसको बोलते क्या बोलते दादा? इसको गंजिया बोलते हैं। ये थोड़ी सी मछलियाँ इसमें पकड़ चुके हैं और बाकी पकड़ रहे हैं जाल फेंक करके। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, सब तराई इलाका है दोस्तों, यहाँ कोई फसल नहीं होती है। और ये हाईवे पर दोस्तों जो है गाड़ियाँ आती जाती हैं, और हम यहाँ निकल रहे थे तो हमने सोचा ना हो तो ब्लॉक बना लें। भाई साहब की गाड़ी वो खड़ी है, मोटरसाइकिल वहाँ पर छोड़ करके आए हैं, और वही मोटरसाइकिल से आए हैं। अरे मोटरसाइकिल से पर बैठ लेंगे, अपने घर को चले जाएंगे। इधर आप देखेंगे जहाँ तक नज़र जाती है, चारों ओर यहाँ भी देखिए आप, फूल बूटा भी लगे हुए हैं, वो एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर झाड़ जो है ये भी लगी हुई है, गाय चल रही है, उरकैया भी लगी हुई है। तो दोस्तों हमारे आप ब्लॉग को देखेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करें। हमने आपको तराई इलाका जो है दोस्तों दिखाया है। यहाँ पे घास दोस्तों लगी हुई है, जो आजकल जो है मवेशी चराने के लिए लोग लाते हैं, वो चरती हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। और ये उल नदी है, ये जंगल से निकल के आई है। कौन से जंगल से निकल के आई है? ये दोस्तों वहाँ से निकल करके आई है, जिसको कहते हैं वो मैलानी का जो जंगल है, वहाँ से दोस्तों निकल के आई है। जिला खीरी में मैलानी जो है पड़ता है, वहाँ से जंगल से निकल करके आई है। और ये घूमते घूमते यहाँ आ गई है। और ये नदी सीधे दोस्त जाती है, जिस इलाके में जाती है वहाँ पे अपना रुद्र रूप ले लेती है। चौमास में बरसात के समय में इसका रूप जो है रुद्र हो जाता है, बहुत डरावना लगता है, भयानक लगता है। ये पुल जो है सरकार ने बनवाया था, उसी पे आने जाने का रास्ता हो जाता है। और बाकी दोस्तों नहीं, दोस्तों हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आप देख रहे होंगे कि जहाँ तक नज़र जाती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे वैसे जो है सांप की मलन की तरह से दोस्तों ये जो है नदी गई हुई है, और ये अपने स्थान पर गई हुई। आगे एक नहरिया पड़ती है,
दोस्त वहाँ के नीचे से निकाली गई सैफन बना हुआ है, तो वहाँ तो दोस्तों हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन यहाँ हम आपको पूरी तरह से जो है दोस्तों दिखाया है ब्लॉक। ऊपर आप देखेंगे टेम्पो भी जा रहे हैं, वो देखो टेम्पो भी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी जा रहे हैं, गाड़ी भी, ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, सभी साधन दोस्त जो है पूरी अपनी स्पीड में जा रहे हैं। हम भी दोस्तों अब यहाँ से चल रहे हैं, हमारा समय हो गया है जाने का, शाम हो रही है, ये सूर्य स्थान, सूर्य भगवान जो है अपनी चरम सीमा पे पहुँच चुके हैं। तो हमारे दोस्तों वीडियो को देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपका धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमने आपको तराई इलाका दिखाया और हकीकत में दोस्त दिखाया है, इसमें कोई बनावटी खेल नहीं है। हाँ, तो मज़े की बात यह है, हम आपसे विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान। हमारा ब्लॉक दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। जय जवान जय किसान।